तो चलिए 12 के विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पाकिस्तान का समर्थन करने वाले आरोपी फैजान ने, आपको बता दें, मिसरौद थाने पहुंचकर यहां पर तिरंगे को 21 बार सलामी दी है। बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वाले आरोपी को यहाँ पर अनोखी सजा सुनाई गई थी और अब 21 बार सलामी देने के लिए मिसरौद थाने पहुंचा है, जहां आपको बता दें कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने आरोपी फैजान को तिरंगे का अपमान करने पर अनोखी सजा सुनाई थी, जिसमें उसने, आपको बता दें, एक महीने, जिसमें उसे महीने में 2 बार तिरंगे को सलामी देने के आदेश दिए गए थे। आदेश के अनुसार फैजान आज मिसरौद के थाने पहुंचा, जहां उसने तिरंगे को 21 बार सलामी दी है, भारत माता के जय के नारे भी लगाए हैं। गौरतलब है कि फैजान ने 17 मई को पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। उसके बाद हाईकोर्ट ने यह अनोखा फैसला लिया, अनोखी सजा सुनाई, जहाँ आज मिसरौद थाने पहुंचा है और 21 बार तिरंगे को सलामी दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। रंजन, यहां पर मिसरौद थाने से ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां आरोपी फैजान मिसरौद थाने पहुंचा, 21 बार सलामी दी है, क्या कुछ अभी अपडेट इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए, भोपाल के मिसरौद का रहने वाला आरोपी फैजान, जिसने 14 मई को जो है पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, और उसी के बाद जो है एक युवक ने इस पूरे मामले को एक वीडियो के ज़रिए जो है कैद कर लिया था, और वीडियो जो है प्रस्तुत किया गया तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो है आरोपी के खिलाफ जो है नारेबाजी की और मिसरौद थाने का जो है घेराव भी किया था, और उसके बाद से दबाव बनने के कारण जो है पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसके बाद उसको जो है हाईकोर्ट में पेश किया जाता है। हाईकोर्ट में उसके खिलाफ तमाम सारे जो सबूत थे, जो वीडियो बनाया गया था जिसमें वो साफ तौर पर जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, तो वीडियो को जब पेश किया गया तो सरकारी वकील ने साफ तौर पर मांग की थी कि आरोपी को जो है सख्त से सख्त सजा जो है सुनानी जानी चाहिए। इसके बाद से कोर्ट ने जो है दोनों पक्षों की जो है दलील सुनी, उसके बाद से ये फैसला लिया कि आरोपी के ऊपर जो है 50,000 रुपये की जो है जुर्माना, और साथ ही साथ जो है आरोपी को प्रत्येक, अगर हम बात करें तो पूरे महीने में 2 बार, पहले मंगलवार को और आखिरी मंगलवार को जो है मिसरौद थाने में जाकर के तिरंगे की जो है सलामी देनी पड़ेगी। और पहली बार आज वो जो है मिसरौद थाने पहुंचा था, जहां आरोपी ने साफ तौर पर तिरंगे को सलामी दी और 21 बार सलामी दी तिरंगे को, इसके साथ ही भारत माता के जय के नारे भी लगाए। तमाम सारे अधिकारियों के बीच जो है आरोपी ने जो है तिरंगे को सलामी दी और साथ ही साथ 21 बार उसने भारत माता की जय भी बोला है। तो आरोपी इस तरीके से आने वाले समय में जो है कोई भी शख्स जो भारत में रहता है वो इस तरीके की हरकत ना करे, तो अनोखी सजा जो एक तरीके से हाईकोर्ट ने सुनाई है। तमाम सारी दलीलों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने ये सजा सुनाई है, और जब तक जो है आरोपी इससे, अगर हम बात करें तो जब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक जो है हर महीने जो है 2 बार मंगलवार में आकर के इनको जो है 21 बार जो है भारत माता की जय के नारे और साथ ही साथ जो है झंडे का सम्मान करने के लिए इसको प्रेरित किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आरोपी के खिलाफ अब जो है जितनी भी कार्रवाई की जानी थी वो हो चुकी है, और महीने में 2 बार जो है आरोपी मिसरौद थाने पहुंचेगा और झंडे की सलामी देगा। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए रंजन, आपका बहुत शुक्रिया।